him आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नौजवान इस टीम ने और खास तौर से मुखातिब होकर हम ये बात कहना चाहेंगे, अपने सिस्टम को, व्यवस्था को, अभी हम 15 अगस्त पे हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया साहब, जिस पेट में रोटी नहीं है उसके हाथ में ठंडा था, देशभक्ति की आग मैंने भी लगी थी, लेकिन इस देश को इन्होंने क्या बना दिया। आज वो कहते हैं कि तुम आजाद हो और हम ये कहते हैं कि आजाद में हुई नहीं और नहीं होने देंगे। जहां जिस आजाद मुल्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम के लिए जयंती बनाने के लिए पूरी प्रशासन, पूरी व्यवस्था बनाने के लिए लगता है, तो बताइए हम आजाद हैं? यह हमें आजादी देना चाहते हैं? यह आजादी हमारे हक अधिकार जो 5000 सालों से ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था कुछ न दे रही है, अरे ये आजादी छूटी है, अरे ये आजादी छूटी है। साथियों, ये नौजवानों की जो बढ़ते कदम की आहटे हैं, जो दरसले हैं, जो क्रांति अभी हाल के 30 साल की उम्र में भगत सिंह के शहादत से अटकी हुई है, बाबा साहब के सपने जो अधूरे हैं, आप हम सभी को मिलकर वो पूरे करने पड़ेंगे। वो हमारे लिए जीने और मरने की एक बात सबब है। हम दबते दबते इतने पीछे हट चुके हैं कि हमारे पास अब हटने के लिए रास्ता नहीं बचा। वो हमारे जंगल छीन रहे हैं, तो हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजों से हमारे जिस्म को निचोड़ रहे हैं। ये पूंजीवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश में दंगे फसाद फैलाकर आप हम गरीब लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके हित चल सके। एक मात्र मकसद है उनका मुनाफा कमाना और अपनी सत्ता की कुर्सी बचाव करना। क्या गुनाह सर है, बिरसा मुंडा की जयंती तो मना रहे थे, लेकिन नहीं होने देंगे, लेकिन नहीं होने देंगे। ये किसकी सोच हो सकती है? ये किसी हिंदू की सोच नहीं थी, ये किसी मुसलमान की सोच नहीं थी, ये मनुवाद की सोच थी। ये आप लोगों ने, इस नौजवान कारवा ने ये साबित कर दिया और करके दिखा दिया ये कि एक जोरदार धमाचा है उस व्यवस्था के ऊपर। और इस नौजवानों के कारवा को जहां इस देश में वो कह रहा है कि विकास हो रहा है, हाँ साहब विकास तो हो रहा है, महंगाई का हो रहा है, बेरोजगारी का हो रहा है, और तो और हर 15 मिनट में हमारी देश की एक बेटी का बलात्कार होता है। ये लाना है उनके ऊपर, ये नवाबर के बाद मेरा सीने में आज भी चल रहा है, नहीं भूलेंगे, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, और एक हर हर एक जुर्म का बदला लेंगे। ये आज इस वक्त पर ये अहद कर ले हम कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानियों के, जिन भारत देश को बनाने के लिए उन्होंने जो ख्वाब देखे थे, जो सपने देखे थे, उसके लिए हम अगर अपनी जिंदगी पे देने पड़े तो सोचेंगे नहीं सोचेंगे। और कम से कम वक्त तो ऐसा दे कि बिल्कुल अपने आप को वक्त कर दिया मैंने इस काम के लिए। ये पूरी मानवता की सेवा है, तो हम बार बार जो कहते हैं जय सेवा, जय सेवा, मुझे भी बड़ा फख्र होता है जो सेवा कहते हुए। इस इंसानियत की खिदमत से बड़ी और क्या नेमत होगी भाई, कि तमाम ईश्वर अल्लाह खुदा की पनाई हुई कुदरत है, और इसको संभालना किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है साहब, ना हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ना फैक्ट्रियां हैं, और ना पड़े पड़े पद हैं, और तो और चंद जो जमीन जो बची थी
अभी इस मोदी सरकार ने एक कानून लेके आए थे कृषि कानून, क्या मकसद था उसका? कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत तो जमीन छीनी जाती। अभी एनआरसी लग रहा है हमारी छातियों पर, हमारे कंधों पर। रिकॉर्ड लेकर आइए कि आप इस देश के निवासी हो के नहीं हो। ताज्जुब की बात तो यह है कि गैर आदिवासियों से 1960 का रिकॉर्ड मांगा गया है और आदिवासियों से 1955 का। जो पढ़े लिखे साथी हैं वो खासतौर से इस एनआरसी एक्ट को समझे, वो उनकी नजरें बिल्कुल, अगर हमारे वोट की जरूरत नहीं होती ना उन्हें, तो हमें साथ देने की भी इजाजत नहीं देंगे। ये समझ लो साथियों।